बड़ा अच्छा करियर है, चाहे वो योगेश्वर दत्त को आप ले लें या युजवेंद्र चहल को ले सकते हैं हरियाणा के ऊपर। नंबर लिया तो भाई जोंदा बसदार है गाम राम, और जोंदा बसदार रहन खातर जरूरी है भाईचारा, और भाईचारा जरूरी खातर है खेल। तो आज कैडरम गांव में खेल होने लग रहे हैं, मैं कहूंगा कैमरा से योगी तक खेल भी दिखा दे। देखो पूरा ग्राउंड और पूरा गाम राम उड़ा खड़ा है अपना भाईचारा खातर, और जोंदा बसदार है हमारा गाम राम की तस्वीरें देख लो भाई तम। भाई जोर लगा डबल का कर यार, डबल का करा जी एसडी यू करा जी डबल का कर मार मोहित काटा तुम्हारा रखा मेरा मोहित काटा तुम्हारा रखा इधर गड़ाई कर है फाइनल में भाई ये बैच है फाइनल में 40 का करा के फिर बाद में करे तो देनी करती यार उनके ₹11,000 और एक मोमेंटो देकर के साथी जो हमारा कैंद्रम का युवा खिलाड़ी है जिन्हें हरियाणा के अंदर भिन्न जहां पर कबड्डी की मैच होती है इन साथी का जो खेलता है खेलने का कार्य बहुत सराहनीय है, इसलिए कैंद्रम की टीम साथी सचिन को सम्मानित करते हुए बहुत ही अच्छे थे रेडर और कैचर के बीच में, और ये नंबर लिया भाई नंबर का मैच है क्यों है Thank you.
भाई कांटे की टक्कर जबरदस्त मुकाबला ए और बी टीम के बीच में। यहाँ देखिए जानते भाई टक्कर और ये एक पर लेंगे 29 है 29 है 29 है स्ताइस में तो मिल जाए था भाई कुश्ती में दोनों साथियों बीच में कांटे की टक्कर जबरदस्त मुकाबला बहुत ही अच्छा भाई कैंद्रम के इस कर्तव्य इसी स्टेडियम गए थे इससे देखने के लायक पूरा होने दियो पक्का नहीं मिलना जी छोड़ दे हो गया कोई नहीं तो कैलडम के करदम ऋषि स्टेडियम में खेल हुए कबड्डी और कुश्ती के करवाने वाली समिति हमारे साथ है। खेल करवा के मजा आया खेल के मजा आया बहुत बढ़िया अच्छा जैसा कि हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो कमेटी है
लगातार कई वर्षों से मैचों का गुग्गा नवमी के पावन अवसर पर गांव कैलरम के कर्दम ऋषि स्टेडियम में मैचों का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कबड्डी और कुश्ती कराई जाती है और आज बड़ा अच्छा कांटे की टक्कर थी, जबरदस्त मुकाबला था दोनों टीमों के बीच में। गांव कैलरम से ए और बी टीम थी साथ, और बी टीम ने फाइनल मैच में बाजी मारी। बी टीम के अंक 31 थे और ए टीम के अंक 29 थे, जबकि दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर थी। इसी प्रकार उसके बाद कुश्ती करवाई गई, कुश्ती में भी बड़ा अच्छा खिलाड़ियों ने सराहनीय कार्य किया। गांव कैलरम के लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि कैलरम के कुछ युवा साथी बाहर खेलने के लिए जाते हैं और हमारा गांव कैलरम का युवा बच्चा एक खिलाड़ी सचिन रमेश कुमार के सपुत्र है, जिन्होंने हरियाणा लेवल में कई मैचों में अच्छा कार्य किया, लेकिन अचानक चोट लगने के कारण वे आराम कर रहे हैं और गांव कैलरम की जो टीम थी उस टीम ने साथी को सम्मानित किया। गांव का भाईचारा खातर ये बात कर रहा हूँ, बड़ा का कुछ खास? बिल्कुल, ये तो मिसाल है पूरा कैलरम गांव भाईचारा की, तो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं कैलरम भाईचारा के लिए जाना जाता है। और मैं नहीं कहूँगा, कुछ एक खामियां हैं, जैसे गुग्गा नवमी के ऊपर हर साल हमारे गांव में एक पवित्र त्यौहार के रूप में गुग्गा नवमी मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, और कैलरम गांव का यहां पे ये कबड्डी का आयोजन हर साल ये हमारे पूर्वजों से चला रहे, और ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त सी हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गाँव के मैं युवा वर्ग है, उनसे मैं आगे एक उम्मीद रखूंगा कि भविष्य में अच्छी गुग्गा नवमी पे आयोजन हो और उस आयोजन के अंदर अच्छी कबड्डी का मैच देखने को मिले। बसरते दो चार प्लेयरों की यहाँ कमी खली है, जो रवि है हमारे गांव का बेटा है, सचिन है, रवि है, हरियाणा पंजाब के लिए उसका बड़ा मैं कहूँगा नाम है हरियाणा के अंदर, रवि कैलरम, और सचिन है। सचिन के लिए थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं है क्योंकि वो चोटिल है अभी, और रवि पहुंच नहीं पाया किन्हीं कारण से, तो बड़ा नहीं मैच और भी अच्छा इससे भी अच्छा देखने को मिलता। बच्चों के भविष्य के लिए कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बच्चों के भविष्य खेल पे आजकल बहुत कुछ निर्भर करता है, अगर बच्चे मेहनत करें, लगन से रोज खेलें, तो खेल में भी अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। और हमारे गांव के जो युवा साथी हैं, मैं उनसे उम्मीद भी करूंगा कि खेल को वो समय दें, जिस तरह पढ़ाई करके आदमी अपनी जिंदगी संवार सकता है, आजकल तो खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी मेहनत करके जिंदगी को संवारा जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत सवाल है, खेल खिला के मजा आया, खेल के ज्यादा मजा आया आपको? देखिए, जितने भी यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं वो अपने टाइम में पुराने कबड्डी के खिलाड़ी रह चुके हैं, और खिलाने के साथ साथ वो खेल का खुद भी आनंद लेते हैं और खिलाते भी हैं। और मैं नहीं कहूंगा, मतलब गेम को ना, अगर बंदा स्टडी अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको गेम चुन लेना चाहिए, ताकि गेम में बड़ा अच्छा करियर है। चाहे वो योगेश्वर दत्त को आप ले लें या युजवेंद्र चहल को ले सकते हैं, हरियाणा के ऊपर बेटियां भी कम नहीं है, बेटियां भी हमारी कितनी, अब भी आप देख लीजिए जापान के अंदर जो ओलंपिक हुए हैं उसमें भी हरियाणा तो खेलों का हब रहा है, और उसमें कैलरम का कोई प्लेयर आ गया है तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। एक बगड़वाद की समस्या देखने में, तीन बगड़ हैं गांव के और कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, लेकिन इस बार तो ऐसा देखने में नहीं आया। नहीं नहीं, गांव में कबड्डी के समय है, गुग्गा नवमी पे जब भी कबड्डी हुई हम बचपन से देख रहे हैं, लड़ाई कभी नहीं हुई है गांव में, और ना ही मतलब होनी चाहिए। खेल जो है वो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए खेला जाता है, सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए खेला जाता है, और खेल से जो है आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। मतलब आज तक हमने तो बचपन से आज तक जब भी कबड्डी देखी है, हर साल गुग्गा नवमी पे कबड्डी देखते हैं, ऐसी कोई नौबत अभी तक तो आई नहीं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी कभी ना आए। और बस एक ही बात है, आजकल जो मिट्टी के जो खेल हैं उनसे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, आउटडोर खेल, आउटडोर से मतलब दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल गेम्स और ये अंदर के जो घर बैठे बैठे गेम खेलते हैं उनकी तरफ ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। मेरी तो बच्चों से यही अपील है कि वो आउटडोर गेम्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ना कि इंडोर गेम्स की तरफ, और जो है जिसे शरीर भी अच्छा बने, भाईचारे की भावना, अब फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इन चीजों पे बच्चे उलझे रहते हैं, और कई बच्चों का तो इन मोबाइल गेम देख देख करके दिमाग खराब हो गया, ना पढ़ाई में मन लगता है, चिड़चिड़े हो गए हैं। इसलिए जो है मिट्टी के जो खेल हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, उनमें जाना बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है।
बच्चों कुछ बोलोगे बात रखो, कैसा लगा देख के खेल? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बताओगे? पिछली साल भी देखा था खेल? इस साल भी देखा? कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो खेला क्यों नहीं? जब जवान होंगे तब खेलेंगे। जवान होंगे तब खेलोगे। चलो, तो खेल में भाईचारा भी है और भविष्य भी है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज कैलरम।